एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं रुचिका। और मैं हूं नीरज। तो रुचिका, फिर आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियन आर्मीज डेडपूल मेजर हु कॉन्क्वर्ड बर्निंग इन्फर्नो। ये द लिबरल हिंदू यूट्यूब चैनल से है और हम फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले बिना किसी देरी के ये वीडियो देखते हैं और वीडियो के एंड में हमारे विचार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करें फिर स्टार्ट। यस, लेट्स गो। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने भी दबाया, आप भी दबाइए और हमारे चैनल का। अम्मा, हो सकता है इस बार मैं घर वापस ना आ पाऊं, और अगर आऊं भी तो शायद तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन मैं किसी भी हालत में वापस आऊं, मुझे वचन दो कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी, बल्कि पूरे गर्व से सर उठा के मुझे अंतिम विदाई दोगी। अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा भारतीय फौजी अपनी माँ से ये कहता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ अपने बेटे से कुछ बोल पाती, एक AK-47 राइफलों का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस माँ के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपूजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थी, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था और अब वो अपने हाथों में बॉम्ब लिए अत्यंत सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की भी आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईडी लिए आगे बढ़ रहा यह मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला एक मेजर जो आज किस रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशायी करने वाले इस भीम का नाम था मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायर। नमस्कार, जय मां भारती। मार्च 2017 में शनिवार की यह सुबह मेजर ऋषि के लिए रूटीन से काफी अलग शुरू हुई थी। आज उनके यूनिट ने त्राल की स्थानीय पुरुष आबादी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। अब शुरुआत में तो इस कैंप को लेकर यहां के लोगों में कोई खास उत्साह नहीं था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस कैंप का आयोजन उनके अपने खान ने किया है तो देखते ही देखते यहां आने वाले लोगों की कतार कई गुना लंबी हो जाती है। त्राल के स्थानीय लोग मेजर ऋषि को प्यार से खान कहकर बुलाते थे। 2 साल पहले त्राल आए मेजर ऋषि जानते थे कि आतंकियों से संक्रमित इस इलाके में बिना स्थानीय लोगों की मदद के ऑपरेट करना संभव नहीं है, इसीलिए अपनी पोस्टिंग के पहले दिन से ही उन्होंने लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। वो उनके घरों में खाना खाते थे, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे और जब किसी को जरूरत हो तो अपना बटवा भी खाली कर दिया करते थे। दोपहर होते होते मेडिकल कैंप में आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए मेजर ऋषि अपने सीनियर से बात करके कैंप की टाइमिंग्स को आगे बढ़वा देते हैं। अब दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे और मेजर ऋषि यहाँ आने वाले लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने में लगे हुए थे कि तभी उनके पास उनके सीओ की एक कॉल आती है।
ऋषि, मेरे पास अभी अभी एक इनपुट आया है। हमारा एक हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छिपा हुआ है, एंड गेस व्हाट? अपनी QRT के साथ हाफू गांव पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ उनके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। इस समय तक CRPF और J&K पुलिस की यूनिट्स भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि इन यूनिट्स को पत्थरबाजों पर काबू पाने का आदेश देते हैं, जिससे कि वो और उनकी टीम अपने शिकार पर फोकस कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि यदि पत्थरबाजों की इस भीड़ ने उन्हें और उनकी टीम को दबा लिया तो आकिब अपने बचकर भागने के रिकॉर्ड में एक और सफल एस्केप जोड़ लेगा, और आज वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। किसी तरह पत्थर बरसा रही भीड़ को चीरते हुए मेजर ऋषि और उनकी QRT गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मेजर ऋषि QRT को दो दो की टीम से बांट गांव के एक घर की तलाशी लेने का आदेश देते हैं और खुद भी अपने बड़ी के साथ यहां बने घरों को क्लियर करने में जुट जाते हैं। लगभग आधे घंटे एक के बाद एक कई घरों को क्लियर करने के बाद मेजर ऋषि बाहर खुले में आकर खड़े हो जाते हैं। गांव की जिस गली में वो खड़े हुए थे उसके एक सिरे पर पुलिस वालों से घिरी भीड़ पत्थर फेंक रही थी और दूसरे सिरे पर एक खुला जंगल था। वो दोनों किसी भी दिशा में भाग सकते हैं और हो सकता है कि अब तक भाग भी चुके हों। अभी मेजर ऋषि ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। उनसे कुछ दूरी पर खड़े ये लोग पत्थरबाजों का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए मेजर ऋषि उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि इनमें से एक आदमी उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। मेजर ऋषि भी इस आदमी के ऊपर अपनी नजरें टिका लेते हैं और तभी उस आदमी की आंखें कुछ घरों की तरफ एक इशारा करती हैं। इस गांववासी से इशारा मिलते ही मेजर ऋषि उन घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जंगल की दिशा में लगभग 200 मीटर आगे चलने के बाद एक घर के बाहर रुकते हैं और फिर पीछे मुड़ वापस उसी आदमी की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन हां में हिला देता है। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आकिब और उसका पाकिस्तानी साथी इसी घर के अंदर छिपे हुए हैं। मेजर ऋषि तुरंत अपनी टीम को इस घर के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दे देते हैं। वो जानते थे कि यदि वाकई दोनों आतंकी इस घर के अंदर छिपे हुए हैं तो वो सर से पैर तक हथियारों से जरूर लदे होंगे। इसीलिए अपनी टीम के साथ घर के बाहर बनी दीवार के पीछे कवर लेते हुए मेजर ऋषि लाउड स्पीकर पर कहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर आ जाइए। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन दोनों आतंकियों को सरेंडर नहीं बल्कि मरने मारने के लिए ट्रेन किया गया था। अभी मेजर ऋषि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की दूसरी मंजिल से फौज के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल पर छिपे आकिब और सैफुल्ला अपनी पोजीशंस बदलते हुए AK-47 से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। J&K पुलिस और CRPF भी तुरंत इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण फायर फाइट का आरंभ हो चुका था। फायर फाइट जो बिना एक क्षण के रुके
अगले कई घंटों तक ऐसे ही चलने वाली थी। फौज और आतंकियों के बीच शुरू हुए इस स्टैंड ऑफ को पूरे 2 घंटे हो चले थे। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये कोई आम सिविलियन घर नहीं बल्कि विशेष तौर पर बनाया गया हिजबुल का सेफ हाउस है, जिसके अंदर इतना असला बारूद स्टॉक किया गया है कि आतंकी काफी देर तक लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये था, कितनी देर तक? सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले मेजर ऋषि अपने हाथों में वो 15 किलोग्राम का ईडी उठाते हैं और पीछे से मिल रही कवर फायर की सुरक्षा में भारी दीवार को फांद घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि के पीछे उनका बड़ी लांस नायक आवेश कुमार भी दूसरी मंजिल पर फायरिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद 42 RR के दोनों फौजी घर के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अभी मेजर ऋषि आईडी को दरवाजे पर प्लांट कर ही रहे थे कि तभी दूसरी मंजिल से हो रही फायरिंग अचानक ही रुक जाती है। साफ था कि दोनों आतंकी उनके प्लान को भांप चुके थे और अब खुद को बचाने के लिए अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। इधर नीचे दरवाजे पर आईडी प्लांट करने के बाद मेजर ऋषि बाहर तैनात अपनी टीम को थोड़ा पीछे हटने का इशारा करते हैं और खुद अपने बड़ी के साथ दीवार की तरफ भागते हुए वायरलेस डेटोनेटर के रिमोट का बटन दबा देते हैं। जमीन को दहला देने वाला एक जोर का धमाका होता है और देखते ही देखते इस घर का अगला हिस्सा नीचे ढह जाता है। लेकिन इसी धमाके से निकला पत्थर का एक टुकड़ा तेज गति से मेजर ऋषि की तरफ आता है और उनके हेलमेट के ठीक नीचे माथे पर लग जाता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके माथे से खून का एक फव्वारा सा छूट पड़ता है। हिजबुल के सेफ हाउस का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। मेजर ऋषि और उनका बड़ी बाउंड्री वॉल के पीछे आ चुके थे और लगभग 15 मिनट की चुप्पी के बाद एक बार फिर दूसरी मंजिल से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मेजर ऋषि का एक साथी उनके माथे से रिस रहे खून को रोकने के लिए उनकी पट्टी करने में लग जाता है और इसी दौरान उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। मेजर साहब दोबारा घर की तरफ बढ़ेंगे, कवर फायर के लिए तैयार रहें। इधर 42 RR की QRT को ये मैसेज मिलता है और उधर मेजर ऋषि एक बार फिर उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस बार उनके हाथों में IED नहीं बल्कि मोलोटोव कॉकटेल्स थी। कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद मेजर ऋषि कुछ मोलोटोव्स को घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फेंक पीछे हटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते घर आग की लपटों में तब्दील होने लगता है। मेजर ऋषि को लग रहा था कि खुद को आग से बचाने के लिए दोनों आतंकी घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 20 मिनट तक धू धू कर जलने के बाद आग शांत हो चुकी थी। घर का ज्यादातर हिस्सा कोयला बन चुका था लेकिन आकिब और सैफुल्ला अभी भी बाहर नहीं निकले थे। आग की चंद आखिरी लपटों को छटपटाते हुए देख मेजर ऋषि का मन भी छटपटाने लगता है। उनकी एक और टैक्टिक फेल हो चुकी थी और कहीं ये पूरा ऑपरेशन भी फेल ना हो जाए, ऐसा विचार मात्र ही मेजर ऋषि को बेचैन कर रहा था। आधी रात होते होते मेजर ऋषि के CEO कर्नल नीरज भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सर, मैं एक बार फिर आईडी के साथ घर के अंदर जाना चाहता हूं। मेजर ऋषि की ये बात सुन कर्नल नीरज उन्हें कुछ ऐसे देखने लगते हैं जैसे अपने जीवन में पहली बार वो किसी पागल दीवाने को देख रहे हों। अपने माथे पर बंधी पट्टी को तो देखो, खून से लबालब हो चुकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना खून बह चुका है? इससे पहले कि कर्नल नीरज की ये बात खत्म होती, अत्यंत व्याकुल मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिलीव मी आई एम 110% फिट और हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी तो नहीं है। मेजर ऋषि की ये बात सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कर्नल नीरज उनसे कहते हैं, ठीक है फिर कोई और आईडी लेके अंदर चला जाएगा, तुम यहीं रहो। नहीं सर, ये मेरा ऑपरेशन है और मैं ही जाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए। आखिरकार CEO साहब को अपने जिद्दी मेजर के सामने हार माननी ही पड़ती है। इस बार मेजर ऋषि अपने एक्सपर्ट को 15-15 किलोग्राम की 2 IDs असेंबल करने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही मिनटों में 2 IDs तैयार कर उनके सामने रख भी देता है। लेकिन जैसे ही मेजर ऋषि इनमें से एक विस्फोटक अपने हाथ में उठाते हैं, उन्हें एक अजीब सा पूर्वाभास होने लगता है।
पूर्वाभास जिसमें अपने सींग उठाए काला स्याह भैंसा मेजर ऋषि को घूरते हुए हुंकार भर रहा था। अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहे मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन फ्लैश होने लगता है। केरल के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर यानी के एई की नौकरी मिल गई थी। एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसे पाए इस देश के शायद 90% मिडिल क्लास युवक जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाते, लेकिन मेजर ऋषि उन 90% युवकों में से नहीं थे। एक साल बाद वो SSB का एग्जाम क्लियर कर एयर इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। लेकिन इस सरकारी नौकरी में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगता और इसका कारण था इंडियन आर्मी का वो कीड़ा जो उन्हें बहुत बुरी तरह काट चुका था। इसीलिए वो SSC का एग्जाम देते हैं और पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर IIM देहरादून पहुंच जाते हैं। 2010 में उन्हें आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन कर दिया जाता है। इस इन्फेंट्री में रहते हुए मेजर ऋषि अगले 5 सालों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कांगो में इंडिया के UN पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी सर्व करते हैं। कांगो में सर्विस के दौरान जब वो 1 महीने की छुट्टी पर भारत आते हैं तो उनकी शादी भी हो जाती है और कांगो में अपना मिशन पूरा कर भारत लौटने के बाद उनका कॉम्बैट पोस्टिंग का सपना भी पूरा हो जाता है, सपना जो वो आर्मी ज्वाइन करने के पहले दिन से देखते आ रहे थे। 2015 में उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कश्मीर के त्राल सेक्टर में पोस्ट कर दिया जाता है। और आज 2 साल बाद त्राल के इस गांव में खड़े मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह फ्लैश हो रहा था। शायद यही कारण था कि ना चाहते हुए भी वो केरल में गहरी नींद सो रही अपनी मां राजलक्ष्मी को फोन कर ही देते हैं। अपने नाम में पिता की जगह मां का नाम लगाने वाला ये फौजी बेटा अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा था और ऐसा करने से पहले वो एक बार बस अपनी मां की आवाज सुनना चाहता था। गोलियों की आवाज सुनते ही मेजर ऋषि की मां के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ता है। मेजर ऋषि कई बार हेलो हेलो करते हैं और जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो दूसरे आईडी को भी अपने हाथों में उठा घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि जानते थे कि उन्हें अपनी मां को फोन नहीं करना चाहिए था। उन्हें पता था कि अब वो रात भर उनके लिए परेशान रहेगी और भगवान के सामने बैठी प्रार्थना करती रहेगी, लेकिन अब उनके पास अपनी मां को दोबारा फोन कर दिलासा देने का समय बिल्कुल नहीं था। इधर मेजर ऋषि घर के अंदर घुसते हैं, उधर दूसरी मंजिल पर फंसे दोनों आतंकी अब बिना किसी पॉज के लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि उनकी छटपटाहट अब अत्यंत घातक रूप ले चुकी थी। अपने पेट के बल अंदर घुसने के बाद मेजर ऋषि दोनों आईडीज को ग्राउंड फ्लोर पर घर के साबुत बचे हिस्से में प्लांट कर देते हैं और एक बार फिर घर से बाहर की तरफ रेंगने लगते हैं। बाहर आते ही मेजर ऋषि वॉकी टॉकी पर अपने बड़ी को 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करने का आदेश दे देते हैं। काउंटडाउन जिसके खत्म होते ही एक्सपर्ट को डेटोनेटर के रिमोट में लगा लाल बटन दबा देना था। इधर लांस नायक आवेश कुमार काउंटडाउन शुरू करते हैं और उधर मेजर ऋषि घर की विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं। 2 IDs का मतलब था 2 गुनी तीव्रता और 2 गुनी तबाही। 13, 12, 11, 10। रुक जाओ, बटन मत दबाना। आई रिपीट, बटन मत दबाना। डेटोनेशन में केवल 10 सेकंड बचे थे कि तभी रेडियो पर मेजर ऋषि की तरफ से काउंटडाउन रोकने का ऑर्डर आता है। घर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद मेजर ऋषि को अचानक ये लगने लगता है कि यदि इन आईडीज को घर के और ज्यादा भीतर प्लांट किया जाए तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। इसीलिए अपनी टीम को इंतजार करने का आदेश दे वो एक बार फिर घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरी बार घर के अंदर घुसे मेजर ऋषि जैसे ही आईडीज को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, उनकी नजर टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही एक परछाई पर पड़ती है।
इधर मेजर ऋषि का हाथ अपनी राइफल के ट्रिगर पर जाता है और उधर दुश्मन की बंदूक से निकली कई गोलियां सीधा आकर उनको लग जाती हैं। उनके पैर हवा में उठ जाते हैं और शरीर जमीन पर गिरने लगता है और इसी दौरान वो अपनी राइफल से उस परछाई के ऊपर एक भीषण अग्नि वर्षा कर डालते हैं। एक तरफ तो सीढ़ियों से उस आतंकी का बेजान शरीर रेत की बोरी की तरह नीचे गिरता है और दूसरी तरफ मेजर ऋषि भी जमीन पर पड़े होते हैं। इस समय मेजर ऋषि का आधे से ज्यादा चेहरा नीचे लटक रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे और उनकी दृष्टि भी धुंधली पड़ती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मलयाली बब्बर शेर अपने चेहरे से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में संभालता है और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ फायरिंग करता हुआ अपनी कमर के बल इस मौत के पिंजरे से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही मेजर ऋषि दरवाजे पर पहुंचते हैं, लांस नायक आवेश की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मेजर ऋषि अपना हाथ ऊपर उठा उनसे वहीं रुकने को कहते हैं। उन्हें लग रहा था कि दूसरा आतंकी अभी भी जीवित है और वो अपने बड़ी का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी टीम को वचन जो दिया था। मेरे होते तुम ताबूत या व्हीलचेयर में अपने घर नहीं जाओगे। वैसे तो तुम लोग ही मेरी असली ताकत हो, लेकिन फिर भी दुश्मन की बंदूक से निकली हर गोली को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। आज 2 साल बाद इस हालत में भी मेजर ऋषि अपनी टीम को दिया ये वचन खूब निभा रहे थे, लेकिन इस समय वो और उनकी टीम नहीं जानते थे कि दूसरा आतंकी सैफुल्ला भी दूसरी मंजिल पर मरा पड़ा है। इस बात से अनभिज्ञ मेजर ऋषि किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और फिर खुद को दरवाजे पर बने 3 फुट ऊंचे चबूतरे से नीचे गिरा लेते हैं। उनके नीचे गिरते ही लांस नायक आवेश के साथ 2 और फौजी दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लांस नायक आवेश दूसरी मंजिल की दिशा में फायरिंग करने लगते हैं और बाकी दोनों फौजी मेजर ऋषि को खींच कंपाउंड से बाहर ले जाते हैं। एनकाउंटर साइट से सुरक्षित दूरी पर आने के बाद एक जीप में डाल मेजर ऋषि को पास ही बने एक हेलीपैड ले जाया जाता है। मेजर ऋषि की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो अभी भी जीप की सीट पर बिल्कुल सीधा बैठे हुए थे। जीप में मेजर ऋषि के साथ मौजूद मेडिक पूरे रास्ते बस उनके चेहरे को ही घूरे जा रहा था। वो जानता था कि उसके पास जो मेडिकल सामान है उससे वो उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कुछ मिनट बाद मेजर ऋषि को ले एक हेलीकॉप्टर श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर नीचाई पर उड़ता हुआ यह हेलीकॉप्टर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर मेजर ऋषि की यूनिट का एक फौजी उनकी पत्नी को फोन मिलाता है। मेजर ऋषि की पत्नी अनुपमा भी इंडियन आर्मी में ही एक मेजर थी और इस समय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंडर 92 बेस हॉस्पिटल में ही सर्व कर रही थी। जब उनकी यूनिट से फ़ोन आया तो मैं ऋषि की कॉल के इंतज़ार में जाग ही रही थी। मुझे लगा कि उनका ही फ़ोन होगा, लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि उन्हें तो बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल के लिए निकल गई और ट्रॉमा वार्ड में उनका इंतज़ार करने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मेजर ऋषि की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते एक डॉक्टर उनके पास आ जाता है। ये डॉक्टर जो अपने करियर में हर प्रकार का केस देख चुका था, जब मेजर ऋषि के चेहरे को देखता है तो इसके मुंह का रंग पीला पड़ जाता है। काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर ऋषि की आंखें बंद होने लगती हैं, तो उनके पास खड़ा ये डॉक्टर उन्हें उठाने लगता है। मेजर आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है? बस आपको सोना नहीं है, प्लीज डॉक्टर। अपना आधे से ज्यादा चेहरा खो चुके मेजर ऋषि चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपना बायां हाथ उठा थम्स अप का इशारा कर देते हैं और बहुत ज्यादा घबरा चुके इस डॉक्टर को हिम्मत देने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ हल्के से दबाने लगते हैं।
92 बेस हॉस्पिटल में जरूरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स पूरा करने के बाद मेजर ऋषि को दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी के प्रतिष्ठित रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाने को कहा जाता है और अगले दिन की सुबह मेजर ऋषि और उनकी पत्नी इंडियन एयरफोर्स के C-130 विमान से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इसी दिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तान आर्मी का एक संगठन है, आकिब और सैफुल्ला की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक बयान जारी करता है। हफीज मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी और सैफुल्ला उर्फ उसामा जम्मू कश्मीर के दो चमकते हुए सितारे थे, दो ऐसे हीरे थे जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी। इन दोनों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीर के इन दोनों सितारों को बुझाने वाले मेजर ऋषि को कई दिनों के बाद उठने और बैठने की अनुमति दे दी जाती है। 8 सर्जरीज और अत्यंत गहन उपचार के बाद जब मेजर ऋषि बोलने की स्थिति में आते हैं तो वो सबसे पहले 18 मार्च के अखबार मांगते हैं। वो इन अखबारों में अपने हाफू ऑपरेशन की खबरें पढ़ना चाहते थे, एक सफल ऑपरेशन जिसके दौरान वो कई बार जलते नरक के मुंह में घुसे थे और जीवित वापस भी आए थे। दिल्ली के R&R में भर्ती होने के कुछ दिन बाद मेजर ऋषि की मां राजलक्ष्मी भी अपने बेटे से मिलने आती हैं। उनका बेटा, जो अपना आधे से ज्यादा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन अपने बेटे का पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ चेहरा देखने के बाद भी ये मां अपनी आंखें नम नहीं होने देती। उसके बेटे ने उस रात उससे ना रोने का वचन जो मांगा था। मेजर अनुपमा ने आने जाने वालों को साफ बोला हुआ था कि कोई भी उनके पति के सामने रोएगा नहीं, क्योंकि वो अपने पति के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो बाकी दुनिया को नहीं पता था। मेजर ऋषि हमेशा से ही एक मॉडल भी बनना चाहते थे। दूसरों को रोने के लिए मना करने वाली मेजर अनुपमा खुद लोगों से छुप छुप कर खूब रो रही थी। उसको बार बार अपने पति की वो बातें जो याद आ रही थी। यार अन्नू, मैं आर्मी से परमिशन लेके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करूंगा, बोलो क्या कहती हो? आईने के सामने खड़े मेजर ऋषि अलग अलग पोज बनाते हुए ये कहा करते थे और फिर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते थे। मेजर ऋषि से सबसे पहले मिलने आए लोगों में उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। जब से उन्होंने उनकी वीरता और चोटों के बारे में सुना था, वो खुद हॉस्पिटल जा उनसे मिलना चाहते थे। आर्मी चीफ के साथ हुई इस मुलाकात को याद करते हुए आज भी मेजर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में जब मैंने अनुपमा को देखा तो मैं नहीं रोया। दिल्ली में जब अम्मा मुझसे मिलने आई मैं तब भी नहीं रोया, लेकिन जब चीफ मेरे सामने आए तब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि खुद इंडियन आर्मी के चीफ मुझसे मिलने आए हैं और मैं अपने इन दो पैरों पर खड़ा हो उन्हें सल्यूट तक नहीं कर पा रहा हूँ। In the Indian Army. कैसी थी फिर वीडियो रुचिका? वीडियो बहुत ही अच्छी थी। मतलब जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया और जो इन्होंने डिपिक्ट किया, जैसे जैसे इमेजेस दिखाई और जो म्यूजिक लगाया बैकग्राउंड पे, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मेजर ऋषि जी के बारे में इन्होंने जो बताया, कैसे उन्होंने इस लड़ाई का सामना किया और कितनी बार उन्होंने जाके दुश्मन को मारने के लिए IEDs लगाई और फिर हिम्मत भी दिखाई लगा के उन्होंने वापस आए, एंड देन ही थॉट कि थोड़ा आगे जाके लगाता हूँ। तो मतलब बहुत वीर भाव रखते थे वो, और मतलब जो भी इन्होंने बताया बहुत ही, मतलब जैसे गूज़बम्स खड़े हो गए मेरे। तो मतलब
इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि कोई इतना इतना आगे जाके मतलब अपनी ब्रेवली अपना जो मिशन है उसको पूरा कर सकता है. मैं तो एक्चुअली टू इम्प्रेस्ड बाय द वीडियो. और जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है गौरव का. आई रियली लाइक्ड जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में पूरी भूमिका बांधी और उसके बाद में उन्होंने उसका बैकड्रॉप दिया कि वो उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद ही वेंट टू आई थिंक एयर इंडिया में काम किया, उसके बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया. ये सारी स्टोरी सुन के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक ब्रेवरी का एक्ट तो है ही है, लेकिन आप ये देखिए कि एक सेक्रीफाइस करने की अपने आप को कितनी ज्यादा उनके अंदर इच्छा भी थी और हिम्मत भी थी. और उसके साथ उन्होंने उस जो अपने मिशन को है वो पूरा किया और मोस्टली सिंगल हैंडेडली किया. ऑल्दो उनकी टीम वहां पे थी और सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतनी ब्रेवरी के साथ आगे जाके आगे से फ्रंट से लीड करना एक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का एक्ट होता है. और उन्होंने वो सारा जो है वो ऑपरेशन लीड किया, खुद आगे जाके IEDs प्लांट किए, टेररिस्ट को किल किया. ये स्टोरी एक अपने आप में बहुत इंस्पिरेशन देती है कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी अगर आप हिम्मत छोड़ जाते हैं तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. और जैसे कि इन्होंने बताया कि इवन डॉक्टर्स भी एक तरह से उनके माइंड में भी डाउट था, राइट, कि ये बंदा मतलब कैसे अभी तक इस सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हार रहा और कैसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनको भी एक तरह की मोटिवेशन दे रहा है कि कोई बात नहीं, आई एम गुड, थम्स अप दे रहा है. दिस इज वेरी इम्प्रेसिव. और यूजुअली क्या होता है कि हमें इनसाइड स्टोरीज इंडियन आर्मी की या जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उनका पता नहीं चलता. और ऐसे चैनल्स जो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारी जो नॉलेज में बढ़ोतरी करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उससे हमें रेगुलर लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से जो है वो इरिटेट हो जाते हैं या मतलब उनको सॉल्व करने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन ये तो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की रहती है. और उनमें उसमें भी अपना काम रखना, अपनी थिंकिंग को प्रॉपर शार्प रखना और सही फैसले लेना. फैसले आपके गलत भी हो सकते हैं, जैसे पहले उन्होंने कुछ प्लान किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन यू कांट लेट इट गो. आपको बार बार ट्राई करना होगा जब तक आप अपना जो गोल है वो अचीव नहीं करते. और तो ये बेस्ट जो भी उनका गोल था उसको अकम्प्लिश करने के लिए जितना आगे तक वो जा सके उन्होंने एफर्ट किया, उसको अकम्प्लिश भी किया. बट इतनी बार उन्होंने कोशिश की, मतलब दैट ऑल्सो गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि कोई भी चीज अगर आप पहली बार सफल नहीं होते, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू विल रीच. यू हैव टू कीप ट्राइंग. आपकी एक अप्रोच गलत हो सकती है, आपकी दूसरी अप्रोच गलत हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको हिट करते रहेंगे, उसको काम करते रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप फाइनली अचीव जरूर कर पाएंगे. ये बहुत अच्छी मोटिवेशन थी मुझे इस वीडियो से देखने को मिली. और ब्रेवरी और करेज वो सब मैसेजेस तो हैं ही, उसके अलावा भी टीम वर्क. जैसे उन्होंने बताया कि वो पथराव हो रहा था उनके ऊपर, फिर उन्होंने टीम्स बना के उस पथराव को क्रॉस करके और फिर अपना जो सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग वहाँ पे की उस एरिया को, एरिया की घेराबंदी करने के लिए, एंड देन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, जो कि एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है जो हमें हम सबको सीखना चाहिए. कि कई बार ट्रबल में ये होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है और हम जो है क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते. लेकिन आई थिंक आर्मी की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि यू हैव टू डू क्विक डिसीजंस, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ के डिसीजंस होते हैं. इसमें आप बैठ के ये नहीं सोच सकते कि आई हैव 10 ऑप्शंस तो मैं सब हर एक को इवैल्यूएट करूंगा और फिर सोचूंगा. नो, यू डोंट हैव दैट टाइम. यू हैव टू इवैल्यूएट एवरी ऑप्शन वेरी क्विकली एंड गिव योर डिसीजन. तो इसलिए इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत टफ होती है, ताकि इनकी ट्रेनिंग इस तरह से हो सके कि कितना भी प्रेशर हो दे विल बी एबल टू हैंडल जो भी उन्होंने लीड करना है तो उसका सही डिसीजन ले सके. तो उनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है और इतना वो पार करके फिर एक्चुअल कॉम्बैट में जाते हैं और वहां पे एक्चुअली दिखाते हैं कि मतलब जब इन्होंने जैसे दिखाया कि न्यूट्रलाइज कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो विक्ट्री जो उन्होंने हासिल की. ऑल्दो उन्होंने काफी अटेम्प्ट्स किए, बट एंड ऑफ द टाइम एंड ऑफ द डे ही वॉन दैट बैटल. जो भी उनका मिशन था उसको उन्होंने अचीव किया. मुझे तो वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया. मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ जैसे रुचिका ने बोला कि हमारे गूज़बम्प्स खड़े हो गए. इट वाज लाइक बाय द एंड ऑफ द वीडियो थोड़े आईज में टीयर्स भी थे. इट वाज सो इम्प्रेसिव कि हम इस वीडियो के बारे में क्या ही बोलें. और वीडियो दिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा,
जैसे जैसे उन्होंने बोला, जैसे जैसे पिक्चर्स भी आई और उन्होंने बीच में फ्लैशबैक्स भी दिखाए, वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो मैंने द लिबरल हिंदू चैनल से देखी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत मजा आया वीडियो देख के। और वीडियो के बारे में मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसी वीडियोस के बारे में कमेंट करने का हमारा लेवल है नहीं, क्योंकि ये एक तरह का अलग ही जॉनरे है और इसमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि उसको अब्सॉर्ब करने में भी बहुत टाइम चला जाता है। अब जैसे ये वीडियो हमने देखी, इसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में काफी समय तक रहेगा और ये उठ उठ के दिमाग में आएगा, यार हम हिम्मत हार रहे हैं, दैट गाय डिड दिस थिंग फॉर द कंट्री एंड ही डिडंट इवन, वो डॉक्टर्स को भी हिम्मत दे रहा है, ही डिडंट इवन शाई अवे फ्रॉम हिज problems. Right. तो और वो भी उस टाइम पे जब उनको हेल्प की जरूरत था, but he was the one who was motivating others at that time. और तो वो चीज़ है। ये चीज़ का impression जो है ना बहुत टाइम तक रहता है। और जैसा हम यूजली वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं, जब भी हम ऐसी वीडियो देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में हो तभी ऐसे काम कर सकते हैं, आप इन चीजों से सीख के अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में अपनी थिंकिंग को बेटर कर सकते हैं, कि हमें अपनी जो होप है वो लूज नहीं करनी चाहिए कभी भी, चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, इतना विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए कि हम इस मुसीबत को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे और इससे बियॉन्ड भी जिंदगी है हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि अगर ये उस समय ये विश्वास ना रखते तो कुछ भी हो सकता था, इट वुड गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट कहीं से मिलता है तो उससे बहुत बंदा बहुत कुछ अचीव कर लेता है, तो उन्होंने डॉक्टर्स को भी पॉजिटिव इंस्पिरेशन दी कि आप, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, एक सिग्नल दिया कि आई एम ओके, और फिर अपनी वाइफ को भी, अपनी मदर को भी, तो दीज थिंग्स टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सनल कैरेक्टर एज वेल एज जो आर्मी लोगों की ट्रेनिंग होती है, कैसे उनके एथिक्स के बारे में और उनकी जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। दीज आर द रियल हीरोज जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने आप को, अपने रिश्तों को दांव में लगाना और सब कुछ लगाना, that is one thing, but अपनी लाइफ को भी दाव पे लगाना, that is beyond imagination की मतलब कोई चीज नहीं है उनके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है देश, और देश के लिए वो अपने आप को कुर्बान करने को रेडी है। इसीलिए हम जो है वो मूवीज बहुत कम देखते हैं और ये वीडियोस हम बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये रियल लोग हैं, रियल पीपल हैं और ये इंसिडेंट्स रियल हुए हैं और इनसे सीखना कहीं कई दर्जे बेटर है, कोई ऐसे ही मूवीज देखना टाइम पास करना इससे बेटर है, ऐसी वीडियोस देखिए, हमें रिकमेंड कीजिए, हम आपके साथ बैठ के देखेंगे और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हमें एक्चुअली ऐसी वीडियोस, ये सिर्फ रिएक्शन वीडियोस बनाने के मकसद से नहीं देखते हम, ये वीडियोस एक्चुअली हमें टच करती हैं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करती हैं ऐसी वीडियोस। और हम थैंकफुल हैं गौरव भारद्वाज जी के, द लिबरल हिंदू चैनल के जो नरेटर हैं, जो नरेट करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उनकी बहुत ही इम्प्रेसिव आर्टवर्क, बहुत ही इम्प्रेसिव स्टोरी टेलिंग, और थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग सच आउटस्टैंडिंग कॉन्टेंट टू अस। मतलब इसकी तारीफ करने के लिए भी एडजेक्टिव नहीं मुझे मिल रहे कि कैसे इसको इनकी जो एक्सीलेंट स्किल है उसको बताया जाए। बहुत बहुत थैंक यू ऐसी वीडियोस हमारे लिए बनाने के लिए, इतना टाइम लगाने के लिए, और ऐसी स्टोरीज जो कि अदरवाइज अननोन रह जाती हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए, जिससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में और भी इम्प्रूवमेंट करके जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उससे हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देख के, होपफुली आपने भी ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका दिल करता है वो कीजिए, इस वीडियो से इंस्पिरेशन लीजिए, इसको जरूर, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसको जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन है उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जो है इम्प्रूव कीजिए। आई होप कि इस वीडियो से हमने आपकी लाइफ को टच किया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।